ना मुझे ना आपके फैयाज भाईजान को अच्छा लगा। इतना लेट हो गया ना, मजा लेके जा रही है तू, पता ही नहीं चलता टाइम। चलो मम्मा यूनिफॉर्म चाहिए था के जाके आप प्लीज चेक कर। सुबह हो गई। अस्सलाम वालेकुम मीना। चलिए ये पाव आया है, माही का दो और मेरा दो। आज नाश्ता नहीं बना रही हूँ, आज नरम पाव खाएंगे क्योंकि कल का पोरिल है जो बनाई थी, देखो इसको गर्म करूँगी और मैं और माही जो है ना ये खाएंगे। बहुत पसंद है हम लोग को ये सुबह सुबह नाश्ते में। तेल लगा के फ्राई कर रही हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं पोरिल के साथ में ना। आओ यहाँ आपके फैयाज भाई ने कपड़े डाले धुलने। क्या चाहिए? सर्फ लाना है? सर्फ खत्म हो गया, दो पैकेट लाना मेरे को, वॉशरूम के लिए भी चाहिए। दो पैकेट लाओ, तो कपड़े भी इतने डालने ना मेरे को, वाइट वाले थोड़े। माही चल, पानी लग गया हाँ हो जाएगा। तलने का तुम्हारा भी कड़क पाव आज तल के खाएंगे। तलू भी उसमें मस्का भी लगाएंगे। ये कौन सा है? दोस्त मस्का पाव हो जाएगा। तो तेल लगा के तलना क्या, ऐसी तलना है? तेल लगा के तलो ना जी। तो तेल लगा के तल रही तो मस्का की थोड़ी जरूरत है। अरे सोनू जा, आती आवाज ऐसा कुरुम कुरुम। ये मेरे और माई के पाव, ये नुमैर के और आपके फैयाज भाईजान के पाव। ये लो माही, ये लो, भूख लग रही ना, चला जा। हाँ मीनो, चलो मीनो को मच्छी देती हूँ, इधर आ जा माही, यहीं बैठ के खा ले और तैयार हो जा, बाल बनाने का है आज। क्या है? ओपन हाउस है माही का आज। चल मीनू हटो, मीनू की मच्छी जरा निकाल दो। जाने दो उसको, हॉल में जाके खाऊंगी बोल रही हो, जगह नहीं हो रही है। मली जा, सुबह सुबह का आप लोगों के लिए नया नया धारावी और नए लोग जो आपके सामने चेहरा उनका नजर आएगा, नया एपिसोड और नए कलाकार, नया चेहरा बताओ जरा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा। पानी लगाए, कपड़े लगाए ना उन्होंने धोने के लिए। ये कटिंग कर दिया, अब इसको तेल लगाती हूँ। ये आपके फैयाज भाई ऐसा वाला पाव बोल रहे फ्राई करने। कड़क पाव में अगर तेल लगा के तलो और फिर उसको चाय से खाओ या दाल से, दाल से तो बहुत गजब के लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है पीली दाल से स्पेशली, या पालक की दाल। ये देखो सर पे आके खड़े हो गए, यहाँ काम कर रही मैं किचन में, रख दो ना नीचे, मैं दे बाद में रखो, बाद में आओ किचन में, से हटने के लिए होता नहीं फिर मालूम तुमको। ये ले, अच्छा है। चलो ए बाबा, तेरे को भी तलना है ऐसा पाव? नहीं नहीं मैं मस्का लगा, मस्का लगा खाएगा। तलना है देखो, नहीं हेलो देर ना हो जाए दीदी। आई की प्लेट में एक नरम पाव डाल दो मेरे को, मैं खा लूंगी। बस लाओ, बस एक बाद में खाऊंगी। माई की प्लेट है, मेरी लाओ उसी में खा लेती हूँ। कपड़े धुल रहे हैं, पानी रखना है। वो जो आपके फैयाज भाईजान ने बेसन में से लादी निकली थी ना, जो मैं रोटी बनाने के लिए ले रही थी, तो मैंने बोली वो ही उसके ऊपर ही रख दो, ऊंचा कर दो, एक के ऊपर एक लादी रख दो। नल में से ना पानी निकलने जमता नहीं है फिर। धो के दूँ क्या? बैठ के जम रहा है। दाल बना के माही रेडी है। हाँ रेडी है, हाँ बस पूछा हुआ ना अभी थोड़ा से। बिस्मिल्लाह, पूछा भी हो गया ना थोड़ा से। हाँ फज्जू, हाँ ऐसी तरह तरह के भर रहा वो भी, कैसा सीधा करो। हाँ
चलो माही का टाइम हो रहा है, 11:15 हो गए। क्या पप्पा को क्यों मेकअप वेकअप कर रहे हैं? ऑडिशन पे नहीं जा रहे वो, तेरा रिजल्ट लेने के लिए जा रहे। क्या कर रही पापा को पाउडर लगा के हीरो बना रही? अरे बन गए हीरो, हीरो बन गए। कितने महीने की? मेरे को क्या बोल रही, दो क्या एक? क्या वो एक भी महीने की भरेंगे तो चलेगा, मिल जाएगा उसको रिजल्ट, मिल जाएगा, मिल जाएगा। कितने महीने की? अरे अक्टूबर तक ये क्लियर है, सेकंड टर्म की भरना है ना, कितने टाइम की भरना है बता? बताओ सेकंड टर्म और नवंबर। सेकंड टर्म की भरेंगे तो मिल जाएगी रिजल्ट? सेकंड टर्म की तो भरेंगे तो मिल जाएगा ना रिजल्ट, क्या है हमारी? अच्छा ठीक है, एक महीने की भरोगे तो महीने की। सेकंड टर्म की भर दे, हाँ दे देगी ना रिजल्ट सेकंड टर्म में? चलो एक महीने की फीस माही की सेकंड टर्म की क्लियर, एक महीने की चलेगा ना, हो जाएगा ना? चलो ठीक है, डन। ये क्या और नोट निकल रही है? ये ले, दो महीने की क्लियर नवंबर तक। मैं नहीं आ रही बाबा, तुम लोग ही जाओ, मुझे क्या करना है, मेरे घर का काम पड़ा है, मेरे पीछे पड़ी है, तुम भी चलो। भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, वो मेरा यूनिफॉर्म था ना उसमें मेरा बैच था, वो मम्मी ने झोले में डाल दिए। पैसा हाथ में लो, नहीं तो बात करते करते पैसा कहाँ जाएगा? अरे हाँ माही तूने ये क्या कर दी, ये कल मैंने कपड़ा भीगने डाली इसका, उसका बैच देखो, जो बैच वो दिखाने वाली है, अब देगी टीचर देखो रिजल्ट? पहले का दिखा के ले लेंगे तो हो जाएगा ना, टाइमिंग अलग है ना। तो बोलना टीचर प्लीज ये वाला बैच का जो था ना मेरे जेब में था, वो मम्मी ने कपड़ा भीगने डाल दिया ना तो उसमें रह गया, सॉरी बोल देना टीचर को। मम्मी की गलती हो गई, गलती तेरी है, तुझे बैग में रखना चाहिए था, कंपास में रखना चाहिए था। हाँ जेब में कुछ रखती नहीं है ना मैं, इसलिए चेक नहीं करती उसके। हाँ, इसलिए माई भी मेरे जेब में 10 रुपए भी नहीं छोड़ती। तुम्हारे जेब में 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, चुप बढ़ जाओ तुम मेरे को। हाँ ये बात बोलो कि मैं कभी जेब नहीं चेक करती। चलो 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 चलो, एक पापा बोले आइए, चद्दरें डाले हैं उन्होंने, बाकी का तू हैंडल कर लेना, चद्दरें डाले है ये डाल दे सूखने के लिए बेटा कपड़े, पापा जा रहे स्कूल, अल्लाह हाफिज। कैलेंडर नहीं लगी जा रहे, ले बेटा ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह अच्छा मार्क्स आएगा मेरी बेटी का, मम्मा की बहुत दुआ है। हाँ अभी तो माही ने 3000, माही 3000 तू लेके जा रही है, गाड़ी बन जाती थी यार, 3000 लेके जा रही है तू, गाड़ी बन जाती थी अपनी। नहीं नहीं गाड़ी नहीं बनेगी, चलेगा, मेरी बच्ची की फीस जाना चाहिए ना, ये देखो। अच्छा चल के जाओ ना जी, ये चादर खंगालने का भी है क्या, चादर खंगालने का है? हाय अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। नुमेर मशीन में आवाज आ रही नहीं ना, बाहर डाल दे, पप्पा बोले पहले बाहर डाल दे फिर फैला दे मंगता तो। फैला के झटक के डाल बेटा, झटक उसको अच्छे से, हाँ डाल दे। नुमेर के कपड़े हैं, एक ट्रिप है अभी, कल हमारे कपड़े हैं वो कल धोएंगे संडे के दिन। हो गया पैंट इतनी दिए, ये जो हाँ है ना कपड़े, वो जो चद्दर धुलने डाले ना वो वॉशरूम में मेरे को दे देना, मैं धो के देती तेरे को, हाँ उसके बाद तू डेंग कर दे उसको। वॉशरूम मैडम मैं खंगाल के देती हूँ ना तुझे, हाँ इधर इधर इधर
20 तारीख की तैयारी है ये। पकड़ जल्दी डाल, जल्दी डाल, जल्दी डाल, बाहर सूखने डाल देना अच्छे से फैला के। आगे जगह बना के डाल दे। हाँ कवर हो जा रही है। रहने दे मशीन को, उधर ही बटन कर बंद कर दे खाली। चले 12 बज गए हैं, आप लोगों का वेलकम करेंगे। करते करते काम देखो, करते करते 12 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम। चले आज है सैटरडे, सैटरडे वाला व्लॉग स्टार्ट रखते आज। सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आप सबको अपने जुमान में रखे। कोई दुख परेशानी मेरे किसी भी अपनों की तरफ में। चले सैटरडे वाला व्लॉग शुरू करते हैं। और माही गई है अपना रिजल्ट बनाने के लिए, तो रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा इंशाल्लाह। बाकी अपने पापा के साथ में गई है, 2 महीने की फीस भरवा के लेके गई। रात में सोने के टाइम पे ही मेरे को उसकी ना चालू था उसका चप्पर चप्पर कि अम्मी फीस भरना है, और उसको पता है ना अभी घर शिफ्टिंग की है, प्लस राशनिंग भी ली हमने। तो रात ही में बोल रही थी कि अम्मी कल ओपन हाउस है, तो मैं बोली फीस भरना है, तो बोले हाँ 1 महीने की भी अगर भरेंगे ना तो चलेगा अम्मी, 10th फी भर दो अगर होएगा तो आपके पास में, अगर नहीं होएगा तो रहने दो, फिर मैं ना बाद में ले लूँगी, चलो बाद में भी दे देते। तो बोली नहीं रुक जा। फिर रात में फैयाज आए ना तो मैंने बोल दी उनको कि ऐसी की बात ऐसी है, तो मेरे को बोले कि नहीं है फीस के लिए पैसा है ना, वो वाला जो तुम सेविंग करके रखे हो उसकी फीस के लिए भर दो, बाद का जो दूसरा काम है ना वो हम लोग बाद में देखेंगे। माई का पहले फीस क्लियर कर दो, उसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए। क्या ना बच्चा पढ़ता है माशाल्लाह, तो उसका रिजल्ट, उसकी फीस हम लोग कोशिश करते कि ना रोके, बट अभी ये थोड़ा शिफ्टिंग वगैरह के चक्कर में ना उसको खुद को समझ में आ गया कि नहीं अम्मी ने अभी शिफ्टिंग की, इतना खर्चा हुआ है, प्लस अभी राशन भी मंगाया हम लोग ने, तो जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो वो खुद ही समझदार है माशाल्लाह, काफ़ी समझदार है, समझती है ना, अच्छा लगता है मेरे को उसकी वो समझदारी वाली बातें जो करती है ना इतने से छोटे छोटे से मुँह से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि नहीं हाँ अभी से उसके दिमाग में समझ आ रही है कि नहीं इतना खर्च हो गया है, फिर अभी मैं कैसे बोलूँ। तो वो बोली अगर मम्मी अगर 1 महीने की भी भरेंगे तो चलेगा, अगर नहीं तो भी चलेगा, बाद में ले लूँगा। नहीं तो आपके भाईजान बोले कि नहीं 2 महीने की भर दो, उसकी फीस क्लियर कर दो। तो चले भी गई है, रिजल्ट लाने की जाती हूँ अभी। एक पाव मैंने नाश्ता की, एक पाव मेरा रखा हुआ है, बाद में करूँगी। मेरी बेटी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्यों अच्छा यूनिफॉर्म चाहिए था? अल्लाह मैंने कल ही तो भिगने डाली यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का लास्ट हमेशा यूनिफॉर्म पहन के जाती है, और इसी बार मेरे को ना तो इसने ना कल ही मुझे बताई कि इसका वो है ओपन हाउस, पहले बताया। अच्छा तो यूनिफॉर्म तो भाई कॉरेक्ट था ना अपना एक्स्ट्रा, तो क्यों नहीं बोला मम्मा यूनिफॉर्म चाहिए चाहिए? तो 2 यूनिफॉर्म नहीं अपने पास में, तुम बोले ना सुबह मैंने रहने तो मम्मा बिना यूनिफॉर्म के भी बच्चे आते हैं, नहीं तो मैं देती थी ना एक यूनिफॉर्म फैयाज इसको। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं देती थी यूनिफॉर्म, तो अपने में डबल है। मार्क्स कैसे आया? टोटल तो बता दूं, परसेंटेज तो बताओ। बताओ 84% आया। चलो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आया। पिछली बार से थोड़ा और ऊपर चढ़ी है, मतलब 84% इस बार आया। कितना आया है? 91 में से 90 अटेंडेंस फुल ऑन। एक भी बार छुट्टी नहीं की, तो एक दिन करी थी ना तूने छुट्टी पापा, एक दिन करी थी शायद बीमार थी। अगर एक दिन भी करती तो अच्छा। हाँ तेरा लीव नोट रिकॉर्ड भी तो होता है ना, तूने ये बार एक बार भी छुट्टी नहीं करी ना। अच्छा फीस भर, तो फिर एक कम क्यों हुआ तेरा? फीस भर दिए सेकेंड टर्म और नवम्बर की ना। चलो डन। टीचर के पास गई थी, ट्यूशन टीचर के पास? लास्ट टाइम इसका 82 आया था ना, 82 से 2% ज़्यादा हुई, मतलब 84। वेल डन। चलो कोई नहीं। नू आपके भैया भजन कपड़ा सेट कर रहे हैं, नू मेरे डाल देता है ना, उसको सेट करने नहीं आता, वो डाल देता है बस। ये सेटिंग कर रहे पूरे अच्छे से, मतलब भाई को बुला के दवा पी लो, बोलना भाई को भाई। लो आके पी लो दवा, चल दुनिया भर का कफ भर गया है, सर्दी नहीं,
ठंडा नहीं पीऊंगी। ठंडा पानी मत दे उसको, सादा पानी दे। दवा पी ले, चाय दे दी। देखिए ये लादी, ये एक लादी थी ऑलरेडी नीचे, मैंने एक और लगाने लगी, थोड़ा ऊंचा हो गया ना ये पानी लेने के लिए। चिकन अच्छा वाला लेके आना, दिला दो नुमेर को, नुमेर को आ जाएगा नुमेर लेके। तुम गाड़ी पे निकल जाओ अपने। क्या क्या लेंगे? चिकन और सूखा खोपरा और गीला खोपरा, दोनों भी चाहिए मेरे को। हाँ चल के जाके आओ फटाफट, तुम निकल जाओ ना गाड़ी पे उसको दिला के। तुम गाड़ी पे निकल जाओ, दिला के दो उसको। तुम गाड़ी पे निकल जाओ। लाया आधा खोपरा, लाया पूरा। कितने का मिला? 10 रुपये का। नहीं ना रुक, और ये खोपरा भी 60-10 रुपये का। अच्छा लगा, चलिए ना मैं चिकन हरा मसाला बना रही हूँ। खोपरा, अदरक लहसुन, थोड़ी काली मिरी, हरी मिर्च, एक टमाटर। हरा मसाला पीस के मैंने साइड में रख दिया है, और चले चिकन, चिकन साफ़ करेंगे बेसन में बैठ के। बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, बेसन पर काम चल रहा है मेरा, तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और यकीनन मुझे देख के आप लोगों को सबको बहुत सुकून मिल रहा होगा कि मदीना का काम बहुत ज़्यादा मतलब ईजी हो गया है, पहले से सारा कुछ ईजी हो गया, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। बाकी चले हरा मसाले का गोश्त तो तैयार हो रहा है, साथ ही में हाँ कल मैंने आप लोगों के साथ में रैशनिंग और शेयर किया था, जो मैंने डीमार्ट से ग्रोसरी मेरी जितनी भी आई थी, हाँ उसमें रेट्स मैंने सबका रेट भी लगाया था कि ऑफलाइन जो आपके फैयाज भाईजान जाके लेकर आए, सबका रेट लगाने का रीज़न ये था कि मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट्स ऐसे दिखे कि कुछ बहनों का कहना ये है कि जो ऑफलाइन मतलब जो ऑफलाइन वाला रेट और ऑनलाइन वाला रेट जो होता है ना वो सेम होता है, बट वो सेम नहीं होता है, इसलिए मैंने वहाँ पे रेट लगा दिया था ताकि आप लोग कंपैरिजन कर सको कि ऑनलाइन में थोड़ा बढ़ा के ही पैसा होता है और ऑफलाइन में ना कम होता है वो पैसा, या 2 रुपया ज़्यादा हो 1 रुपया हो, बट थोड़ा से मैंने कंपेयर किया कि वो ऑनलाइन में थोड़ा ज़्यादा ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप तेल का ही रेट, आप मैंने कल तेल का रेट लगाया था राइस ब्रेन ऑयल का, तो आप लोग ऑनलाइन जाके आप प्लीज़ चेक कर लेना कि राइस ब्रेन ऑयल का डी मार्ट में अभी फ़िलहाल क्या रेट चल रहा है। और हाँ बाकी रही बात पोहे की, जो कल पोहा आया था तो वो पतला पोहा आया था, एक्चुअली थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि इसके पहले भी हम लोग ने एक बार पोहा मंगाया था तो पतला वाला ही आया था, तो मैंने आपके फैयाज भाईजान को बोली थी कि ये जो डी मार्ट से तुम पोहा लेके आ रहे हो ना ये बहुत पतला से, मतलब ये पकने के बाद में गेंदा हो जा रहा है पोहा, तो मैंने बोला था कि ना ठीक है मैं जाके देखूंगा। तो अभी जो डी मार्ट ये गए ना तो वहाँ पे जाड़ा पोहा भी लिखा हुआ था, पतला भी लिखा हुआ था, लेकिन जो सेक्शन में जाड़ा पोहा लिखा हुआ था ना वहाँ से ये पतले पोहे की पैकेट निकल गए, मतलब शायद किसी ने वहाँ डाल दिया होगा, तो कि इन्होंने पैकेट पे नहीं पढ़ा। हाँ इनको पढ़ने तो नहीं आता लेकिन ये इतना है कि ये मिला के पढ़ लेते, तो जब इनको मैंने दिखाया ना कि देखो ये पतला लिखा हुआ है तो बोलने लगे हाँ लेकिन ये जाड़े वाले सेक्शन में था ये, तो ये मैंने ये पैकेट पे नहीं देखा था, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं वो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा करके मिला के कोशिश करते पढ़ने की, फिर भी कन्फ्यूजन हो जाता है। और ये जाड़ा पतला ये चीज़ों का ना मेरे को भी पहले पता नहीं था, क्योंकि देखें ना मैं हम लोग मतलब पोहा बोले तो हम लोग यहीं बाज़ार से मंगा लेते हैं, मतलब मार्केट वगैरह से, तो पोहा आ जाता है। अभी ये चूड़े का भी अलग पोहा आता है, इसका कुछ आइडिया नहीं था ना मुझे ना आपके फैयाज भाईजान को, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं तो राशन खरीदने जाती ही नहीं हूँ, जो आपके फैयाज भाईजान से बोलती हूँ वो अपने हिसाब से ला लेते हैं, उनको भी कुछ इतना आइडिया नहीं होता है कि ये चीज़ों में इतनी क्वालिटी होती है। ये जो ना ये औरतें हमारी जो बहनें ना ये चीज़ों में माहिर है, लेकिन आपकी मदीना बहन ये चीज़ों में माहिर नहीं है, बिकॉज़ मैं कभी राशनिंग की दुकान में गई नहीं हूँ कि मुझे उसकी एक चीज़ की 10 वेराइटी मुझे पता चले कि ये ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, बस जो यूज़ करती हूँ वो वैसी ही यूज़ करती हूँ, तो इन चीज़ों का एक्सपीरियंस मेरे को नहीं है, जो है वो एकदम फ्रैंकली आप लोगों से क्लियर बता रही हूँ कि नहीं है तो नहीं है। अभी मेरे को इसमें अभी मैं क्या बोलूँ, अभी जैसे भी काम चल रहा है, बट नेक्स्ट टाइम अभी ध्यान रखेंगे कि उनको बोलूँगी जाड़ा वाला लाए, अभी पतला वाला आ चुका है तो अभी उसको देखेंगे हम कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो पोहा में
उसको मैं धोऊंगी नहीं, मैं डायरेक्ट ही बना लूँगी। तो आप लोग मेरे को बताना डायरेक्ट कैसे लगेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा कुछ ना कुछ आप लोग मुझे आइडियाज़ दे देते हो, जहाँ पे मैं मिस्टेक करती हूँ आप लोग मुझे बता देते हो, तो मैं यकीनन मुझे बहुत आइडियाज़ आप लोगों से भी मिल जाते। ऐसे नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ अपने तरफ से चीज़ें शेयर करती हूँ, आप लोगों के तरफ से भी बहुत बहुत से आइडियाज़ मुझे मिल जाते हैं। तो उसके लिए सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आइडियाज़ देने के लिए। बाकी चले, खाना मेरा रेडी हो गया है। कल का जो दाल का चार था बचा हुआ, बस वही दाल का चार खाएंगे। हरा मसाले का गोश्त रेडी, आज दाल नहीं बनाया क्योंकि कल की दाल बची हुई थी। बाकी जाते जाते एक कमेंट आया था मुझे, वो शेयर करनी। वैसे तो कमेंट माशाल्लाह बहुत आते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। बट एक कमेंट जो ना वो मैं शेयर कर रही हूँ, जो इस आईडी से आया हुआ है, महबूब अली, उन्होंने सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने मेरे घर के लिए कांग्रेस बोला, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। उन्होंने कहा है कि उनकी दोनों बेटियों के लिए दुआ करने, एक का नाम है अफशीन और एक का नाम है नौशीन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, इस लायक समझा आपने। बस दुआ तो मैं सभी के लिए करती हूँ, अल्लाह आपकी बच्चियों को भी खुश और आबाद रखे, और जरूर दुआ करूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज माई की फ्रेंड आई है, बेस्टी, घर के पास की ना, सब जगह की इसकी अलग अलग है, स्कूल में अलग, घर के पास की अलग, ट्यूशन में अलग है ना, डांस क्लास में अलग, मालूम है मुझे। चले बेस्टी आई तो लोग को दे रही हूँ स्नैक्स पार्टी दोनों मिलके। और नुमेर अंदर खा रहा है। नुमेर हुआ क्या? हाँ। नमाज के लिए, नमाज का टाइम, जल्दी खा लो माही। अरे वाह, कैरम निकाले तुम लोग ने, अल्लाह अच्छा है, कैरम खेलो। कैरम निकलता ही नहीं था, वहाँ पे जगह ही नहीं होती तो कहाँ से निकाल के कहाँ बैठेंगे। अरे वाह, आज मेरा ही तो इसी बहाने। बस बस कितना कर रही है, अच्छा लग रहा है। स्टूल भी रख दी माही ने बराबर, जुगाड़ जुगाड़ लगा के। नीचे से नहीं, नीचे से नहीं होएगा माही, दोनों हाथ से बीच में पकड़ बैठा हूँ, मेरा बीच में। हाँ ऐसा, हाँ बस। तुम लोग से ज्यादा वजन वो कैरम का है ना? हमारा से तो बड़ा वजन ज्यादा ही है, भले माही से नहीं हो गया खेल के तुम लोग का, थक गए। सब जगह पे रख दे अपनी अपनी चीजें। कैसा लग रहा है मेरा घर हम लोग का? अच्छा लगा, थोड़ा सा बड़ा है ना, जगह भी हो रही है ना खेलने घर में। मेरा खुश हो गई घर देख के, बाहर भी अच्छा लग रहा है ना, रोड जरा अच्छा है, खेले जैसा है, बच्चे आराम से पकड़म पकड़ी खेल सकते, और कौन सा एक्चुअली छुपन छुपाई। हाँ एक ही होती है क्या? नहीं, पकड़म पकड़ी अलग होती, छुपन छुपाई अलग होती ना पापा। तू क्या समझ रही है कि मैं खेली नहीं? पहाड़ पानी। हाँ कॉक, बैडमिंटन, पहाड़ पानी। पहाड़ पानी नहीं खेलने का, दूसरे को डिस्टर्ब होता, वो नदी के पहाड़ की वजह से ना बहुत चिल्लम चिल्ली होती है ना। हाँ। वो गेम तो मेरे को भी पसंद नहीं है, चिल्लम चिल्ली। अपने गेम से दूसरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसा खेल खेलो, सही है? चलो अभी हो गया कि बाकी है, साइकिल चलाना है, जाओ छोड़ के आओ। शी इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ टाइमिंग भूल के आई अपनी मम्मी को, कब जाना है फोन करके पूछा। चले फ्रेंड को घोच छोड़ कर आ गए दोनों जाके उसके घर पे, और अभी जो है ना दोनों बैठ के हॉल में अरबी पढ़ रहे, और मैं यहाँ पे जो है ना चीले के लिए जो है वो चावल भिगोने रख रही थी, क्योंकि कल संडे है, आप लोगों को पता है ना, लास्ट संडे छूट गया है, बट ये संडे नहीं छूटेगा, कल बनेगा डोसा। बस चावल भिगोने रखना है ताकि कल डोसा बना लूँ मैं। अच्छा भिगोने के बदले मैं यहाँ पे, आप लोग देख रहे गैस पे मदीना ने पकाने क्यों रख दिया, एक्चुअली पकाने नहीं रख रही, मैं खाली गुनगुने पानी में जो है ना चावल को भिगोने रख रही हूँ, क्योंकि रात के कुछ बज रहे थे 10:45 हो गए हैं। अब ये इतना लेट हो गया ना, तो फिर मैं थोड़ा सा परेशान हो गई कि मैं इतना लेट हो गया मुझे, हालांकि बच्चों ने शाम में याद दिलाए थे, फिर भी मेरे ध्यान से ना निकल गया। तो मैंने बोला अब रात हो गई है, तो अभी एक ही आइडिया है कि इसको गुनगुने पानी में रख दूंगी तो जल्दी भीग जाएंगे, तो जब भीग जाएंगे नरम हो जाएंगे तो उसको फिर फटाफट से मैं पीस पाऊंगी। तो 11:15 मैंने भीगने के लिए रखा थोड़े गुनगुने पानी में, और 12:30 को मैंने पीस लिया, तो कल के लिए जो है ना वो आटा रेडी। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में हम सबको याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।